पर टेबल। तो इसी लेट सेशन स्टार्ट हुई है, कोई बात नहीं, चलते हैं। और आज जो है हम बात करेंगे पिवट टेबल की समराइजेशन के पार्ट के लिए। देखिए पिवट टेबल के जो है कई सारे पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट जो है वो है डेटा समराइजेशन। तो पिवट टेबल को हम लोगों ने दो पार्टों में बांटा हुआ है। राइट सर जी, पिवट टेबल को हमने, एक होता है आपका नॉर्मल पिवट, दूसरा होता है हमारा स्टैटिक पिवट, जहां पे हम रिलेशनशिप कैलकुलेशंस और बाकी जो का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल डेटा समराइजेशन विद पिवट टेबल की, कि पिवट टेबल के जरिए हम डेटा को कैसे समराइज करेंगे। सबसे पहले इस बात को जानिए कि पिवट टेबल का इस्तेमाल क्यों होता है, आखिर करता है क्या है पिवट टेबल, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो रिपोर्ट जो हम डेली बेसिस में बनाते हैं, और रिपोर्ट चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं होता है समरी ऑफ द डेटा, कि किसी पर्टिकुलर डेटा को किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर समराइज करना, दैट कॉल समरी रिपोर्ट। और पिवट टेबल का यूज होता है कि किसी पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज करना, समराइज करना एंड रिप्रेजेंट करना। ठीक है जी, तो अब पिवट टेबल लगाने से पहले कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा क्या है। क्यों? क्योंकि आप डेटा को समराइज कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आपका डेटा किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, आखिर क्या है डेटा, डेटा की प्रॉपर्टी क्या है। और दूसरा, पता होना चाहिए आपको आपका रिपोर्ट, कि आप जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है बनाने का। ये थोड़ा सा अजीब बात होता है, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस में रिपोर्ट बनाते हैं और बना के कंसर्न पर्सन को भेज देते हैं, लेकिन हमें इस ये नहीं पता होता है कि जो जिसको हम मेल कर रहे हैं वो कंसर्न पर्सन इस रिपोर्ट से क्या इंफॉर्मेशन हासिल करेगा। और अगर मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन क्या हासिल करेगा पता भी है, तो उस इंफॉर्मेशन का क्या यूज करेगा, मतलब क्या बेनिफिट क्या है हमारे कंपनी के लिए या फिर उस पर्सन के लिए। ये थोड़ा सा एक बात होती है, क्योंकि हम लोगों को जो प्रोसेस बताता है उस प्रोसेस के जरिए हम लोग कर देते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं होता है कि आखिर उसका इस्तेमाल क्या क्या किया जाएगा। ठीक है सर जी, तो पहले आप उसको भी समझना होगा कि आखिर इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने डेटा है, ये डेटा सेल्स का डेटा है, जो कि क्वार्टरली जोन में पर्टिकुलर डेट के किसी सिटी में किस सेल्स पर्सन ने किस सेल्स मैनेजर के अंदर काम, किस कैटेगरी के कस्टमर है, कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल है, एसएमई है, और जो हमारे कस्टमर है वो मेल है फीमेल है, कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी की कितनी एमआरपी पे दिया और उसका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, जस्ट एक सेल्स का डेटा है हमें। ठीक है,
अब पिवट टेबल लगाने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा सिलेक्ट कब ना करना पड़ेगा, अगर डेटा में कोई भी कोई ब्लैंक रो नहीं है, पूरी की पूरी ब्लैंक रो नहीं है, तो आपको डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर का जो हेडिंग है ना सर, ये हेडिंग भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ये हेडिंग ब्लैंक है तो क्या होगा, आपका पिवट टेबल लगेगा ही नहीं, क्योंकि पिवट टेबल जो वर्क करता है वो वर्क करता है आपके हेडिंग के ऊपर। तो चलिए इसको हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम पिवट क्रिएट करते हैं। तो इंसर्ट में जाते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल से पहले एक आपके पास रिकमेंडेड पिवट टेबल है। ये क्या करता है कि आपका डेटा को एनालाइज करता है और एनालाइज करके बताता है कि इस पे किस तरह के पिवट लग सकते हैं। अगर इसमें से आपको जो पिवट आपको आपके रिक्वायरमेंट पर फिट बैठता है, वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, सिलेक्ट करेंगे वो लग जाएगा। नहीं आपको ब्लैंक पिवट चाहिए तो पिवट टेबल इसको सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, आपको यहां पे ब्लैंक पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक। अब इसमें पिवट टेबल में देखिए क्या है कि यहां हेडिंग आ गया, इसलिए मैंने बोला था आपको कि हेडिंग होना जरूरी है। तो यहाँ पे हेडिंग आता है, तो बस आपको यहाँ पे चार चीजें हैं, फिल्टर, कॉलम, वैल्यू एंड रो, बस इसमें आपको पुट करना है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या रखें क्या नहीं चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट आपको क्या जनरेट करना है। तो आपकी कंपनीज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, राइट सर? तो वो प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट क्रिएट रिसर्च करना, मैंने लॉन्च नहीं, रिसर्च करना चाहती है नया प्रोडक्ट के ऊपर, नया प्रोडक्ट लाना चाहती है रिसर्च करके। रिसर्च स्टार्ट होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो उनको ये पता नहीं जो प्रोडक्ट यूज, जैसे मान लीजिए कोई कॉस्मेटिक कंपनी है, तो अगर कोई क्रीम निकालना चाहती है तो पहले सोच रही क्रीम मैं लेडीज के निकालू या मेल्स के निकालू या वुमेन्स के लिए निकालू। तो हमें इसी तरह से एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो बॉस ने पूछा कि ये जानना चाहते हैं कि अभी फिलहाल जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो सबसे ज्यादा मेल है या सबसे ज्यादा फीमेल है, जस्ट मुझे उनकी काउंट रेवेन्यू चाहिए कि हमारा जो सबसे ज्यादा सेल मेल से आ रहा है या फीमेल से आ रहा है। तो मैंने सब कैटेगरी को उठा के यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे मेल और फीमेल आ गया, और एमआरपी को उठा के मैंने यहां पे रखा। इससे पता चल रहा है कि हमारा मेल जो है ज्यादा है, फीमेल कम है, लेकिन दोनों के बीच में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं यही चीज जानना चाहता हूं जोन वाइज कि किस जोन में हमारे मेल और फीमेल के कस्टमर कितने हैं। तो मैं यहां सब कैटेगरी को रखता हूं ऊपर और हमारा जो जोन है जोन को रो में रख देता हूं, तो कुछ इस तरह से रिपोर्ट आ जाएगा कि मेल और फीमेल इतने हैं और ये हमारे काउंट है। अब यहां पे एक चीज देखिए कि यहां पे आपको रोल लेवल लिखा हुआ आ रहा है, हालांकि यहां पे जोन लिखना आना चाहिए ना सर। तो आप जो है यहां पे अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है सर? ओके
कुछ भी चेंज करना चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहां पे लिख दीजिए जून हो गया, लेकिन आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। जितने भी हेडिंग सब हेडिंग है उन सबको चेंज किया जा सकता है। चेंज क्या नहीं किया जा सकता है तो कि टोटल जो है इस टोटल को चेंज नहीं किया जा सकता। वैल्यूज जो वैल्यूज है जो यहाँ वैल्यूज पार्ट में रखा हुआ है उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है ठीक है जी। तो अब दूसरी चीज है कि हम यहाँ ये भी जानना चाहते हैं कि हम रो में क्यों रखते हैं, कॉलम में क्यों रखते हैं, वैल्यू में क्यों रखते हैं, फिल्टर में कब रखते हैं। देखिए रो में रखिएगा तो क्या होगा कि आपकी जो सीक्वेंस है रो बाई जाएगी, कॉलम में रखेंगे तो कॉलम बाई जाएगी, और वैल्यू में उसको रखते हैं जिसका टोटल करना होता है। ये तीन चीजें पहले समझिए। तो अब एक चीज और है कि हम कॉलम में रखते हैं तो कॉलम में रखते समय ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे चीज को ना रखें जो कि जिसकी संख्या ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए मैं सीटी को यहाँ उठा कर रखता हूँ यहाँ पे, तो सीटी काफी ज्यादा है, देखो कि हमें नेविगेट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है ना सर। क्योंकि लेफ्ट टू राइट नेविगेट करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन टॉप टू डाउन नेविगेट करना आसान होता है। तो हम सिटी को उठाया और जोन के नीचे रख दिया, ठीक है, या फिर आप जोन के सिटी के अंदर रख दीजिए। अगर सिटी जोन बाय रिपोर्ट चाहिए तो आप सिटी को ऊपर रखिए, जोन के नीचे रखिए। जोन सिटी बाय रिपोर्ट चाहिए तो आप उसी हिसाब से इसकी ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ कि मैं इसको कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकता हूँ। आप यहाँ पिवट टेबल टूल्स के एनालाइज पार्ट में जाएंगे तो यही पे आपको देखिए ये आपका कोलैप्स और ये आपका एक्सपेंड हो गया। इससे क्या होता है कि रिपोर्ट ऑफ द रिपोर्ट इसको हम कहते हैं, मतलब कि हम सिटी बाई रिपोर्ट देख रहे हैं लेकिन मुझे किसी सिटी के पर्टिकुलर जोन के अंदर चाहिए तो मैं क्लिक करके उसको देख सकता हूँ। ओके ठीक है क्लियर है जी। एक सेकंड, हेलो,
सॉरी सर, एक कॉल आ गया था। ठीक है सर। तो यहां पे आपका जो आप देख रहे हैं कि आपके सामने कॉल स्पिन और स्पिन आ गया, ये समझ में आ गया ना आपको सर? हाँ जी। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए कि मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं एनालाइज में गया और इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो लेकिन इसमें क्या है कि अगर इस तरह की चीजें तभी की जा सकती है जब हम रिपोर्ट को, जो हमारा रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को एज ए पिवट टेबल में ही भेजना है, समझ गए सर? समरी बना के भेजना है। समरी बना के भेजना है तभी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन क्या होता है ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके किसी और सील पे पेस्ट एज ए वैल्यू या नॉर्मल पेस्ट भी करेंगे तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, हमें सिटी और इसमें कोई डिफरेंस दिखेगा ही नहीं। ठीक है जी। तो ऐसा होना चाहिए कि पिवट टेबल में मेरा जो है, पिवट टेबल के अंदर में मैं चाहता हूं कि मेरी एक कॉलन जो हमारा ए है, मतलब कि कॉलन है, एक कॉलन में मेरा सिटी होना चाहिए और बी कॉलन में मेरा जोन होना चाहिए। तो इसमें दो दो तीन तरीके हैं। पहला है कि आप डिजाइन में जाएं और डिजाइन में जाने के बाद आप यहीं से सो टेबुलर फॉर्म कर दीजिएगा तो अलग अलग हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है कि राइट क्लिक करके आप पिवट टेबल ऑप्शन पे चले जाए और यहाँ डिस्प्ले में आएंगे तो आपको क्लासिकल पिवट टेबल दिखेगा और इसको ओके कर दे तो फिर आपके पास जो है, आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है ओके। हेलो। हाँ सर। सर ये आप स्टार्टिंग से दिखा रहे हैं या ये? नहीं, ये आपने आपने जस्ट चेक किया है सर, आपकी क्लासेस में स्टार्ट करूंगा फिर स्टार्टिंग होगी सर। कितने बजे से स्टार्ट होता है आपका क्लास? मैं फोन पे बात कर लूंगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि इस तरह से अलग अलग हो गया और यहाँ आपके सब टोटल सर, ये सब टोटल आप हटाने चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कर दीजिए सब टोटल को यहाँ से रिमूव। ठीक है। हाँ जी। सब टोटल आप यहां से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो हट जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हम इसको रिपीट करना चाहते हैं क्योंकि क्योंकि कॉपी करने के बाद जो है पेस्ट वगैरह नहीं होता है। तो उसके लिए आप यहीं पे रिपोर्ट लेवल आइटम में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा रिपीट ऑल आइटम लेवल, ये आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका रिपीट हो जाएगा। और मुझे इन दोनों के बीच में गैप भी चाहिए तो ब्लैंक रो में जाएंगे और यहाँ इंसर्ट ब्लैंक आइटम आफ्टर ईच आइटम करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ब्लैंक लाइन भी मिल गया। ठीक है सर जी।
लेकिन सर हटाना है वापस सही करना है तो डू नॉट रिपीट, रिमूव द आफ्टर कर दीजिए और यहाँ से डू नॉट रिपीट कर दीजिए। मैं यहाँ पे रिपीट के जगह पे मैं करना चाहता हूँ मर्ज, जैसे नॉर्मल डेटा मर्ज करते हैं इस तरह से मर्ज। तो प्योर टेबल में आप डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते, जैसे डायरेक्ट मर्ज करोगे तो आपको एरर देगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट मर्ज नहीं करना है। राइट सर, तो मर्ज कैसे करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ये आपका मर्ज हो जाएगा। ओके ठीक है जी, क्लियर है बिल्कुल। तो सर इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है, कल हम आपके पास पिवट टेबल में आगे की चीज जानेंगे। ठीक है ठीक है ओके ओके थैंक यू।